So today we will see some of the questions of what objective questions of a linear equation. So today we will see some of the objective questions of linear equation. So note down the question: which of the following equation has graph? Which of the following equation has graph? Which of the following equation has graph? 2y axis. Which of the following equation has graph parallel to y axis? Which of the following equation has graph parallel to y axis? So today we will solve some of the MCQ questions, multiple choice questions. So option A is given that y equal to minus 2. Option B is given that x equal to 1. Option C is given that x minus y equal to 2, and option D is given that x plus y equal to 2. So the question is what? Which of the following equation has graph parallel to what? Parallel to y axis. Parallel to y axis means ये जो चार equation आपको दिया है, कौन सा इक्वेशन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है? सो लेट अस सी हियर. हियर यू सी दिस इज द कोऑर्डिनेट प्लेन. दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. पॉजिटिव सॉरी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. ओके, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा. देखो जो भी लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है, सपोज ये एक लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब उसका जो देखो ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या है, इसका जो x एक्सिस का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस. अरे बात समझ में आ रहा है? सपोज ये पॉइंट ओ एम है, ओ एम क्या होगा, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ओ एम, ओ एम सपोज ये सपोज टू यूनिट दूरी पे है एम पॉइंट ओ से. सो एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट टू होगा, ये सर ना. वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इधर जीरो है, ठीक है. ये पॉइंट से वाई एक्स कोऑर्डिनेट टू, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है. ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बोल. अरे बोल, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस में कितने दूरी से है, टू यूनिट दूरी से है. अरे यहाँ से ये कितना दूर है, टू यूनिट है. नहीं आया? yes, sir. और ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट भी टू यूनिट दूरी पे है, ये पॉइंट भी टू यूनिट दूरी पे है, ये पॉइंट भी टू यूनिट दूरी पे है. मतलब जो भी अगर कोई एक लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वो कांस्टेंट होता है. मींस एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है. अगर आप ठीक से देखेंगे, एक्स इक्वल टू वन, मतलब यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू सिर्फ डायरेक्टली वन दे दिया है, मींस एक्स कांस्टेंट है. आप एक्स का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. कोई भी लाइन देखो, सपोज ये एक लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट मींस ये यहां ये जो ये लाइन का कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा, ये पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट वही आएगा, ये पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट वही आएगा. मतलब एक्स एक्सिस से वो सेम डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से वो लाइन का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस से है, इक्वल डिस्टेंस सॉरी वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस से वो लाइन का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है. ठीक है, बात समझ में नहीं आया? Yes, sir, मतलब कोई एक पॉइंट ले लो बच्चों, कोई एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो. सपोज ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट y, ये जो y एक्सिस से कितना दूरी पे है, सेम डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो उसका ये जो लाइन का हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है. y कोऑर्डिनेट फ्लक्चुएट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट एक्स कोऑर्डिनेट सेम है. अगर एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है तो लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होगा,
तो ऑप्शन बी फॉर भुवनेश्वर आएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द डिस्टेंस बिटवीन एम का कोऑर्डिनेट है -1.5, एन का कोऑर्डिनेट है x.5 इज 8 यूनिट। द वैल्यू ऑफ x विल बी देखो ऑप्शन ए इज गिवेन -9 और 9, ऑप्शन बी -7 और 9, ऑप्शन सी -9 और 7, ऑप्शन डी -7 और -9। देखो दो पॉइंट दिया है, एम -1.5 एन x.5 इज 8 यूनिट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ये है आपका क्या है ऑप्शन सर की फैन। देखो ठीक से सोच, सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक से सोच, एम का कोऑर्डिनेट क्या है -1.5, -1 मतलब ये साइड, सपोज ये -1 है, 5 सपोज ये 5 है, तो ये पॉइंट आएगा इधर, इधर आएगा पॉइंट ना -1.5, नहीं आया समझ में? तो ये पॉइंट का नाम होगा M, ये जो पॉइंट वो जो सर्कल किया है ना वो पॉइंट। N, N क्या होगा, N x.5 मतलब x कोऑर्डिनेट तुझे पता नहीं है, y कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 5 का मतलब देखो अगर मैं इधर एक सीधा पैरेलल लाइन खींचूंगा y एक्सिस के साथ, तो सॉरी ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट 5, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 5 मतलब कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन, सपोज यहाँ पे ये सीधा, ये सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट, वो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5 आएगा। मीन्स दो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 5 है, मीन्स वो दो पॉइंट का, अगर वो दो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 5 है, मीन्स एम एंड एन को लेके जो लाइन हो रहा है वो लाइन पैरेलल रहेगा किसके बराबर, किसके साथ, एक्स के साथ। बात समझ में नहीं आया शायद, मीन्स दो लाइन का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन पैरेलल है x एक्सिस के साथ, मतलब तू लिखेगा द पॉइंट m -1.5 एंड n -x.5 बोथ हैव सेम वाई कोऑर्डिनेट, सो बोथ पॉइंट एम एंड एन, बोथ एम एंड एन पॉइंट लाई ऑन द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एम एंड एन का दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट 5 है, इसीलिए दो पॉइंट एक लाइन के ऊपर रहेगा जो लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के साथ। नहीं आया बात समझ में बच्चों? ओके ठीक है, बात समझ में आ गया? यस सर।
तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगा? अरे क्या आएगा देखो, ये है एम पॉइंट, सपोज ये एन है एक्स कोमा फाइव, ये दोनों का क्या सेम है? वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो डिस्टेंस अभी वाई कोऑर्डिनेट का बीच में डिस्टेंस जीरो है, एक्स कोऑर्डिनेट बीच में डिस्टेंस क्या है? माइनस वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया? एट यूनिट। तो माइनस, ये माइनस एक्स इक्वल टू उस तरफ जाएगा था प्लस नाइन होगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा? नाइन आए, माइनस नाइन आएगा, ठीक है। अरे बात समझ में आ रहा है? तू अगर माइनस वन से एक्स को सब्ट्रैक्ट करेगा तो तेरे को माइनस नाइन मिला एक्स का वैल्यू। अगर तू माइनस, अगर तो एक्स से सब्ट्रैक्ट करेगा, एक्स माइनस माइनस वन एट यूनिट, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू एट, एक्स इक्वल टू एट माइनस वन इक्वल टू सेवन। बात समझ में आ रहा है? मीन्स अगर तू माइनस वन से एक्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकलेगा वो होगा माइनस नाइन, अगर तू एक्स को माइनस वन से सब्ट्रैक्ट करेगा, सॉरी अगर तू एक्स माइनस वन से सब्ट्रैक्ट करेगा तो आएगा तेरा आंसर सेवन, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एट यूनिट है। पहले तू माइनस वन माइनस एक्स एट लिया, अभी तू एक्स माइनस माइनस वन एट लेगा, तो आंसर आएगा माइनस नाइन एंड सेवन। तो ऑप्शन आई थिंक बी, बी फॉर भुवनेश्वर विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? अरे क्लियर आर नॉट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, lies on option A, x-axis, option B, y-axis, option C, on the line y equal to x, option D, on the line x plus y equal to 0। यहाँ पे सी, ऑन द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। आंसर क्या आएगा? ए कोमा ए मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट वही है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। यस सर नो? यस सर। वो जो पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कोमा ए लाइज ऑन व्हाट? लाइज ऑन ए वाई इक्वल टू एक्स, मतलब कोई भी इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन वाई इक्वल टू एक्स, तो जो लाइन वाई इक्वल टू एक्स, मतलब जो लाइन का वाई जितना एक्स उतना, मतलब y इक्वल टू एक्स, जो लाइन का y मतलब x फाइव है y फाइव, सपोज x जीरो y जीरो, x वन y वन, x टू y टू, x थ्री y थ्री, x फोर y फोर, तो ये होगा आपका लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एक्स, मतलब ये लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट वही है। सो द पॉइंट ए कोमा ए विल लाई ऑन द लाइन वाई माइनस एक्स, सो सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपरली? यस सर। देखो ये जो ग्राफ में बनाया, ये ग्राफ का जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स, मतलब कोई एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट वही है। देखो ये ओरिजिन में पास कर रहा है, ये ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर और नॉट? यस सर।
ठीक है। तो जब भी ये वाला लाइन तुझे दिया होगा उसका जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू x, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कुड बी द ग्राफ ऑफ, व्हिच कुड बी द ग्राफ ऑफ, which could be the graph of y equal to x। देखो ग्राफ बना गया है, ऑप्शंस आर गिवन ऑल्सो, ऑप्शंस ए बी सी। डी है नॉन ऑफ दिच, और मैं ग्राफ बना देता हूं आपका, कौन सा ग्राफ होगा, अरे कौन सा बीट होगा। ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, अभी अभी मैं बताया ना y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ऑप्शन है। ओके बात समझ में आ रहा है, अरे समझ, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये एमसीक्यू चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी माइनस वन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच। बोल तो आपकी सा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, बोल क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए फॉर अंगुल विल बी द करेक्ट आंसर। देखो सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो ये है आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट ले ले उसका अब्सकीसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब वो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स एक्स कोऑर्डिनेट उसका मतलब वाई एक्सिस से कितना दूरी है, जीरो। अब्सकीसा मीन्स वो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो वाई एक्सिस तो खुद है ये, तो वाई एक्सिस से जीरो यूनिट दूरी पे है। अगर ऑर्डिनेट पूछा होगा दी ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल बी व्हाट, ऑर्डिनेट पूछा होगा, ये ऑर्डिनेट पूछा होगा, ऑर्डिनेट पता है ना, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, अंडरस्टूड और नॉट। तो एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट सपोज ये है, ये तो आपका एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, सो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो आएगा, ये सर नो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन्स ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जीरो यूनिट दूरी पे है, ये सर नो, पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये ठीक है। चलो yes, बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट,
Which of the following equations represent represent a line parallel to x-axis? A line parallel to x-axis. Option A, 3x plus 2 equal to 0. Option B, 3y plus 2 equal to 0. Option C, 3x plus 2y equal to 0. Option D, 3x minus 2y equal to 0. ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा बच्चों? कौन सा ऑप्शन आएगा बोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल। देख, ये है तेरा कोऑर्डिनेट प्लेन और ये है तेरा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल। एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन पैरेलल होता है उसका क्या कंस्टेंट है? उसका ओरिजिनेट कंस्टेंट है, मींस वाई कोऑर्डिनेट कंस्टेंट है। यस और नो? देख, अरे ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मींस ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जितना, ये पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट दैट मच, ये पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस सेम है और नहीं है? अरे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस सेम है और नहीं है? ठीक है, मतलब तेरे को क्या मिलेगा? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है। जो भी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल है उसका y कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए, मतलब y कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट आना चाहिए। देख यहाँ पे, देख ऑप्शन ए में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/3। इसका क्या कंस्टेंट आ रहा है? x कोऑर्डिनेट कंस्टेंट आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी का देख, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2/3। ऑप्शन बी का क्या आ रहा है कंस्टेंट? y इक्वल टू सम कंस्टेंट, सम नंबर आ रहा है, y इक्वल टू माइनस 2/3। इसीलिए ये लाइन होगा, ये होगा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, बिकॉज x का वैल्यू 2 देने से y का कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 5 देने से और y का वैल्यू और कोई आएगा, x का वैल्यू 9 देने से y का वैल्यू और कोई आएगा। ये d केस में भी वही है, x का वैल्यू तू कुछ देगा तो y का वैल्यू कुछ अदर निकलेगा। बट ये दो कॉन्स्टेंट वाला थे, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट मिला, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट मिला। बट तेरा क्वेश्चन था द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका कौन सा कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट है? उसका वाई कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो वाई कोऑर्डिनेट कॉन्स्टेंट है, मीन्स 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू माइनस 2, एंड y इक्वल टू व्हाट? y इक्वल टू माइनस 3 आ गया। सो हमको ये ऑप्शन बी में जो इक्वेशन दिया है बच्चों, वो इक्वेशन से y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट और सम नंबर आ रहा है, इसीलिए 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये क्वेश्चन y एक्सिस के साथ पैरेलल दिया होता, बोल कौन सा ऑप्शन आता? ऑप्शन ए आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अभी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक से सोच। नेक्स्ट पेज, अभी मैं मैच दी फॉलोइंग कर रहा हूं, मैच दी फॉलोइंग। देखो ये कलम वन है,
ये कॉलम टू है। ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये पी ही में दिया है। एक्स इक्वल टू है, इधर वाई इक्वल टू है, इधर वाई इक्वल टू एम एक्स, इधर दिया है वाई इक्वल टू जीरो और ये वन वन लिखा गया है एक्स एक्सिस, ये टू लिखा गया है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट एक्स एक्सिस में, ये पैरेलल सिंबल में दिया हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थ्री दिया है व्हाट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रेट लाइन। हाँ फोर फोर बिट दिया है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन और स्ट्रेट लाइन आप लिखना लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो इसको देखो थोड़ा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, ये थोड़ा मैच दी फॉलोइंग वाला क्वेश्चन कॉलम वन कॉलम टू। पी क्यू आर एस इधर दिया है वन टू थ्री फोर, P किसके साथ, Q किसके साथ, R किसके साथ, S किसके साथ होगा, ठीक से सोच देख आएगा और नहीं आएगा, जल्दी कर जल्दी सोच। अरे सोच भाई सोच, सोच ले होगा, अरे होगा, अरे कुछ तो बोल। C should be 3, means y equal to mx. No sir, P. P, y, x equal to a, means line parallel to y axis. Y axis, x coordinate constant. Very good, very good, बहुत बढ़िया। Q, y equal to a ना, ये line parallel to क्या होगा, x axis. Yes sir. और y equal to mx is a, y equal to mx is a, what y equal to mx is a line passing through origin and y equal to 0 x axis, y equal to 0 x axis का y coordinate कितना है, अरे x axis का y coordinate 0 है ना, अरे x axis का y coordinate, x axis के ऊपर कोई भी point ले लो उसका y coordinate क्या आएगा, 0 आएगा ना, but तेरे को x equal to a, देखो x इक्वल टू a, देखो ये x कोऑर्डिनेट, ये y, सॉरी ये x एक्सिस ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस ये y एक्सिस, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a मीन्स x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी अभी हम लोग दिखे थे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स उसका ओ लाइन क्या होगा, ओ लाइन y एक्स, ओ लाइन क्या होगा y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। जब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो यहाँ पे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, मतलब y कॉन्स्टेंट, देखो y कॉन्स्टेंट y कॉन्स्टेंट y कॉन्स्टेंट y कॉन्स्टेंट y कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है, m का मतलब सम कॉन्स्टेंट, सपोज मैं m का वैल्यू 2 ले लिया, सपोज m का वैल्यू 2 ले लिया, y इक्वल टू 2x, ओके अभी देख मैं उसका ग्राफ बना रहा हूँ, सपोज मैं m का वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं m का वैल्यू 2 ले लिया, तो y इक्वल टू mx को मैं लिख दिया y इक्वल टू 2x, के m का वैल्यू 2 ले लिया, इज इट क्लियर, अरे इज इट क्लियर ना नॉट, सो y इक्वल टू 2x, अभी देखिए x का वैल्यू तू 0 ले, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये पॉइंट आ गया, x का वैल्यू 1 ले, y का वैल्यू क्या आएगा, 2 into 1 जो 2 आएगा, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू माइनस टू वाई का वैल्यू माइनस फोर, ऐसे आएगा, देखो ये लाइन ऐसे 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 ऐसे, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है और नहीं हो रहा है, दैट्स वाई y इक्वल टू एम एक्स इज ए लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन और x इक्वल टू a मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस,
y इक्वल टू ए मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अरे y कांस्टेंट तो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। y इक्वल टू जीरो, सॉरी गलत बोले, ये एरो मार्क गलत हो गया ये। और y इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज x एक्सिस। x एक्सिस से ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये आपका मैथ्स फॉलो। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। बहुत बढ़िया। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस, अनदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आल्सो, देन वी विल प्रोसीड फॉर लाइंस एंड एंगल्स। ओके यस सर।